नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस व्लॉग। दोस्तों अभी मैं यहाँ मुंबई गोवा हाईवे पे हूँ और अभी मैं पेन सिटी का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से भी जा रहा हूँ। आज दोस्तों अलीबाग जाने का वीडियो हम लोग देखने वाले। अगर आप मुंबई गोवा हाईवे से वड़कल बाईपास से होते हुए अलीबाग कैसे जा सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं वीडियो। ये अभी देख सकते हैं मैं पेन सिटी से गुजर रहा हूँ। यहाँ फ्लाईओवर के राइट साइड में यहाँ पेन रेलवे स्टेशन है और अभी हम लोग वड़कल बाईपास की तरफ जा रहे हैं। ये नया हाईवे अभी यहाँ पे बना है, ये जो फ्लाईओवर नया बना है ये कुछ सालों पहले यहाँ पे बना है, 2-3 साल हुआ यहाँ पे। और ये वड़कल बाईपास भी अभी अभी यहाँ पे बना है नया। पहले वड़कल से होते हुए जाना पड़ता था मुंबई गोवा हाईवे के लिए, तो काफ़ी ट्रैफिक जाम लगता था, घंटों ट्रैफिक में इंतज़ार करना पड़ता था यहाँ पे पेड़ से वड़कल क्रॉस करने के लिए। तो अभी ये नया वड़कल बाईपास बनने के बाद वहाँ से अलीबाग जाने के लिए काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है। काफ़ी लोग आगे चले जाते हैं फ्लाईओवर से नागोटना की तरफ और काफ़ी लोग यहाँ वड़कल के मार्केट में चले जाते हैं। तो दोस्तों आज अभी हम लोग ये पेड़ क्रॉस करके वड़कल की तरफ जा रहे हैं, तो आज का वीडियो उसी के बारे में कि आप वड़कल बाईपास से होते हुए आप अलीबाग कैसे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों अभी हम पेन सिटी से आगे आ चुके हैं, अभी हम वड़कल बाईपास की तरफ जा रहे हैं। पहले जब ये पेन का फ्लाईओवर और वड़कल बाईपास नहीं था तभी ये पेन से वड़कल नाका क्रॉस करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा दोस्तों लगता था। अब ये दोनों बनने के बाद आप मैक्सिमम 10 मिनट में आप पेन सिटी और वड़कल नाका दोनों क्रॉस करके आगे जा सकते हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। ये बहुत ही अभी अच्छा हुआ है दोस्तों, ये काम जब भी हुआ है। अभी बारिश की वजह से रास्ते भी काफ़ी यहाँ ख़राब हो चुकी है, लेकिन जल्दी हम यहाँ पर नया रास्ता मतलब मुंबई गोवा हाईवे का जो कंक्रीट का काम चल रहा है वो कुछ सालों में यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी यहाँ आगे से ये वड़कल बाईपास शुरू हो रहा है। अगर आपको वड़कल गांव में जाना है या फिर वड़कल मार्केट में जाना है तो यहाँ से आप लेफ्ट से जा सकते हैं। ये देखिए अभी यहाँ से वड़कल बाईपास स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये बाईपास बनने से यहाँ का ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हुआ है। पहले नीचे से वड़कल मार्केट से सिर्फ एक सिंगल रोड गया था हाईवे का, आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पे वैसा ही रास्ता है। तो वहाँ पे पूरा ये लोड जो है मुंबई गोवा हाईवे के ट्रैफिक का वो पूरा लोड वहाँ पे पड़ता था और सिर्फ पेन सिटी से लेके वड़कल नाके तक 1 से 1.5 घंटा आपको लगता था ट्रैफिक से निकलने के लिए। तो अभी ये बाईपास दोस्तों बनने से ये बहुत ही अच्छा हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों डबल है, ये मतलब 6 वे है, 6 लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फ्लाईओवर है, ये पूरा स्टार्ट टू एंड आप यहाँ से बाईपास से आप जा सकते हैं सीधा वड़कल नाके के बाहर, मतलब जो नागोटना की तरफ आप जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्लाईओवर बना है। मुंबई से गोवा जाने वाले और मुंबई से अलीबाग जाने वाले ये दोनों भी यहाँ इस बाईपास को यूज़ करके जा सकते हैं। तो चलिए आगे जाके देखते हैं हम लोग यहाँ से आप गोवा के लिए और या फिर अलीबाग के लिए आप कैसे जा सकते हैं। दोस्तों मुंबई गोवा हाईवे जो डबल रोड का बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप वड़कल नाके से अलीबाग के लिए मुड़ते हैं वैसे ही आपको फिर से सिंगल रोड चालू होता है। मतलब यहाँ से कम 25 किलोमीटर अलीबाग जाने तक आपको सिंगल रोड से ही गुजरना पड़ता है, तो वहाँ भी कभी कभी ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम होता है। ये वड़कल से अलीबाग तक का भी ये डबल हाईवे का काम उसके प्लान के ऊपर काम चल रहा है।
वो भी अगर हो जाएगा तो अलीबाग जाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी यहाँ से। उसको काफ़ी साल लगेंगे, अभी उसका काम शुरू हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से वड़कल नाके से पोइनार तक का रास्ता जो है JSW प्लांट के यहाँ से जो गुजरता है वो भी काफ़ी ख़राब है दोस्तों। उसके ऊपर जो गाड़ियाँ चलती है कोयला लेके या फिर स्टील का कॉइल लेके जो ट्रेलर चलते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी धूल उड़ती है, रास्ते भी काफ़ी ख़राब रहते हैं हमेशा। दोस्तों अभी थोड़ी देर में आगे एक फ्लाईओवर आने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए, उस फ्लाईओवर के अंत में आपको अलीबाग के लिए लेफ्ट टर्न लेना है। ये देखिए सामने फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों ये फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इसके ख़त्म होते ही आपको यहाँ से अलीबाग के लिए लेफ्ट टर्न लेना है दोस्तों। मतलब अगला जो फ्लाईओवर है वो चढ़ना नहीं है। अगर आपको गोवा के लिए सीधा जाना है नागोटना होते हुए तो आप आगे जा सकते हैं सीधा दूसरे फ्लाईओवर से। ये देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप नीचे जैसे उतरते जैसे ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है यहाँ से आपको अलीबाग के लिए या फिर मुरुड़ के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। मतलब जो अगला फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है उसके लेफ्ट से आपको आगे जाना है नीचे से। ये देखिए सामने आपको JSW का स्टील प्लांट दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों अभी ये फ्लाईओवर ख़त्म हो रहा है। ये देखिए जो नागोटना के लिए या फिर गोवा के लिए गाड़ियाँ जा रही है वो सीधा अगले फ्लाईओवर से आगे जाती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, यहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं है तो लोग सीधा निकल जाते हैं। तो आपको अगर अलीबाग जाना है या फिर मुरुड़ के लिए जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड होके आप ये फ्लाईओवर के नीचे से आपको जाना है। ये देखिए अगर आपको मुंबई गोवा रोड से वड़कल नाके से होते हुए आपको अलीबाग या मुरुड़ जाना है तो यहाँ से आपको लेफ़्ट से होके जाना है। आगे दोस्तों वड़कल नाके से इसी फ्लाईओवर के नीचे से आपको राइट टर्न लेना है। मतलब आपको अलीबाग जाना है तो आपको ये जो फ्लाईओवर अभी स्टार्ट हुआ है इसके नीचे से आपको राइट टर्न लेके जाना है। अगर आपको वड़कल मार्केट में जाना है या फिर वड़कल गांव के लिए जाना है तो आप आगे लेफ़्ट होके जा सकते हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। बारिश की वजह से दोस्तों यहाँ रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों ये फ्लाईओवर सीधा जा रहा है वड़कल नाके के आगे तक, तो हमको अभी आगे से इसी फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है अलीबाग के लिए। कोई कोई जो गाड़ी वाले नए होते हैं वो इतना लंबा फ्लाईओवर देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से राइट लेना है, तो यहाँ आके भी कोई कोई बीच में से ही राइट में चले जाते हैं। तो आपको आगे तक जाना है दोस्तों, आगे एक राइट रास्ता जा रहा है अलीबाग की तरफ और लेफ़्ट रास्ता जा रहा है वड़कल गांव की तरफ, तो आपको सीधा जाना है। जब तक वो दोनों रास्ते आपको दिखते नहीं वहाँ तक आपको जाना है। मतलब ये जो रास्ता सीधा जा रहा है वो जब ही ख़त्म होता है वहाँ से आपको राइट लेना है अलीबाग के लिए, तब तक के लिए आपको सीधा ही जाना है। ये फ्लाईओवर थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। ये देखिए सामने थोड़ी देर में रास्ता ख़त्म हो जाएगा और आगे आपको सिर्फ लेफ़्ट और राइट दोनों ही रास्ते मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों आगे ये रास्ता ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से हमें अलीबाग या मुरुड़ के लिए हमें राइट टर्न लेना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, लेफ़्ट में आप वड़कल मार्केट में जा सकते हैं और यहाँ से हमें सीधा जाना है अलीबाग के लिए। 25 किलोमीटर यहाँ से अलीबाग है। आप ये आगे सिंगल रोड ही लगेगा हमको अलीबाग तक। रास्ते का हालत आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कोयनार तक रास्ता ऐसा ही है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मोटो व्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नवी मुंबई GS व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।